विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, राष्ट्रीय बायोमास मिशन से प्रदूषण मुक्ति के साथ ही बिजली उत्पादन भी। जीआई टैग मिलने से बिहार से विलायत पहुंची शाही लीची और औरंगाबाद महाराष्ट्र के ग्रासरूट इनोवेटर इंद्रजीत बलवीर सिंह खास ने तैयार किया हल्दी और अदरक की बुआई करने वाला यंत्र। खेतों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से तो हम सब वाकिफ हैं। पंजाब हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है तो उसका असर दिल्ली तक देखने को मिलता है। इस समस्या के समाधान को तलाशने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं तथा इस सिलसिले में सरकार की तरफ से भी एक पहल देखने को मिली है। बिजली मंत्रालय ने कोयला आधारित बिजली घरों में बायोमास के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे एक तरफ जहां स्वच्छ ईंधन पैदा होगा, वहीं प्रदूषण की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय मिशन के क्रियान्वयन को लेकर नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत बिजली विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी, जिसमें पेट्रोलियम, नवीन ऊर्जा, बिजली आदि मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। राष्ट्रीय मिशन के तहत 5 विशेषज्ञ उप समूह गठित किए जाएंगे, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। पहले उप समूह का कार्य इस्तेमाल योग्य बायोमास का चयन एवं उसके गुणों का निर्धारण करना होगा, ताकि उसी के अनुरूप उसे तैयार कर सकें। दूसरा उप समूह कोयले वाले बॉयलरों में कोयले के साथ बायोमास के इस्तेमाल बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव सुनिश्चित करेगा। वह बताएगा कि इसके लिए मौजूदा बॉयलरों में किस प्रकार के बदलाव करने की जरूरत है, साथ ही किस प्रकार के उपकरणों की जरूरत है। तीसरा समूह आपूर्ति से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगा, क्योंकि एक बार बायोमास का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा तो बड़ी मात्रा में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। चौथा समूह बायोमास पैलेट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पैलेट के परीक्षण के लिए नामित प्रयोगशालाओं और प्रमाणन निकायों का चयन करेगा, जबकि पांचवा समूह बिजली घरों के लिए आवश्यक नियामक संरचना तैयार करेगा। राष्ट्रीय बायोमास मिशन को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनकैप से भी जोड़ा जाएगा, जिसका मकसद करीब 125 शहरों की हवा में सुधार लाना है। इस मिशन के कई फायदे हैं। कोयला बिजली घरों में कार्बन न्यूट्रल बिजली तैयार हो सकेगी, यानी ऐसी बिजली तैयार होगी जिसके उत्पादन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होगा, जबकि कोयला जलाकर बिजली पैदा करने में भारी उत्सर्जन होता है। मौजूदा समय में कोयला ताप बिजली घरों में सेल्फ फायरिंग की क्षमता सिर्फ 5% है। अब इसको बढ़ाए जाने का रास्ता साफ होगा। इसके अगले चरण में 10% किया जा सकेगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बायोमास कचरे का बेहतर प्रबंधन हो जाएगा। अभी तक किसान उसे जलाकर प्रदूषण उत्पन्न करते थे, लेकिन अब उसे बेचकर कुछ राशि भी कमा सकेंगे। हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में कई ऐसे फल या अन्य उत्पाद हैं जिनकी अपनी एक खास पहचान होती है, क्योंकि वो किसी खास क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु में उगाए जाते हैं और वो किस्में उसी क्षेत्र विशेष में ही उत्पादन दे सकती हैं। कुछ समय पूर्व ऐसे उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग दिया गया था, जिसका मकसद उस उत्पाद की भौगोलिक पहचान सुरक्षित रखना तथा उसे मान्यता प्रदान करना है। बिहार की शाही लीची को भी कुछ समय पूर्व यह पहचान मिली। इसके बाद दुनिया में उसकी मांग बढ़ने लगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके में
बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा शाही लीची का उत्पादन किया जाता है। अपने गुणों के कारण ये पहले से पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये लीची यहाँ की खास जलवायु में और कुछ चुनिंदा किस्मों से उगाई जाती है। इसलिए कुछ साल पूर्व लीची गोवर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के अनुरोध पर वाणिज्य मंत्रालय ने GI टैग दिया था। ये प्रमाणन मिलने से इस बात को सरकार का प्रमाण पत्र मिल जाता है कि ये मुजफ्फरपुर की शाही लीची ही है। बिहार सरकार ने इसके बाद शाही लीची के निर्यात के लिए पटना में एक पादप स्वच्छता प्रमाणन केंद्र भी खोला है। GI टैग हासिल होने के बाद से ही बिहार सरकार की एजेंसी कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी APIDA इसके वैश्विक निर्यात को लेकर सक्रिय हो गई थी। APIDA के अनुसार पूर्व में दुबई से भी लीची का ऑर्डर मिल चुका है। लंदन को 500 किलोग्राम लीची भेजी गई है। दुबई को भी इसकी आपूर्ति की जा रही है। कई अन्य देश भी इसमें रुचि ले रहे हैं। APIDA के अनुसार बिहार की सेरा एंटरप्राइजेस को लंदन की कंपनी H&J से शाही लीची की आयात का अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हाल में एक बड़ी खेप लंदन भेजी गई है। बता दें कि बिहार के 3 कृषि उत्पादों को भी पूर्व में GI टैग मिल चुका है। इनमें जरदालू आम, कतरनी चावल तथा मगही पान शामिल है। शाही लीची इस श्रेणी में 4th उत्पादन है। इन सभी का निर्यात होने लगा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के साथ साथ वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय जिलों में भी शाही लीची के बाग हैं, क्योंकि इन सभी जिलों की जलवायु एक जैसी है। देश आज खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो इसकी एक प्रमुख वजह है हमारे किसानों की मेहनत। किसानों ने न केवल खेतों में अपना पसीना बहाया है, बल्कि कृषि उपकरणों की कमी को दूर करने के लिए खुद ही नवाचार भी किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि उपकरण तैयार किए हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के ग्रासरूट इनोवेटर इंद्रजीत बलवीर सिंह खास ने तैयार किया हल्दी और अदरक की बुआई करने वाला यंत्र। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औरंगाबाद महाराष्ट्र के किसान इंद्रजीत बलवीर सिंह खास ने हल्दी और अदरक की बुवाई करने वाला एक उपकरण गुरु तैयार किया है। इस मशीन से किसानों का न सिर्फ काम आसान हुआ है, बल्कि उनकी खेती की लागत में कमी आई है और उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। जबकि खेतों में हल्दी एवं अदरक बोने का तरीका बेहद पुराना है। हल्दी एवं अदरक के टुकड़ों को गड्ढे खोद कर डालना होता है और फिर उनके ऊपर मिट्टी डालनी होती है। इस प्रक्रिया में काफी मजदूर लगाने पड़ते हैं और इस कार्य को पूरा करने में कई दिन लग जाता है। इंद्रजीत ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया जिसे ट्रैक्टर पर फिट किया जा सकता है। ये उपकरण तीनों कार्य कर लेता है। पहले हल्का गड्ढा बनाता है, फिर उसमें अदरक डालता है, उसके बाद उस पर मिट्टी डाल देता है। उपकरण को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये हल्दी या अदरक के टुकड़ों के बीच 6, 9 और 12 इंच की दूरी रखता है। इसमें इस दूरी को घटाने और बढ़ाने का भी इंतजाम है। एक एकड़ खेत में यदि हल्दी बोनी हो तो उसमें करीब 30 मजदूर लगते हैं, जिसकी लागत कम से कम 4 से 5 हजार रुपए के बीच आती है। जबकि ट्रैक्टर चालित इस मशीन के इस्तेमाल करने पर ट्रैक्टर के ड्राइवर समेत कुल 5 आदमी लगते हैं और लागत सिर्फ 1 हजार रुपए आती है। परंपरागत तरीके से एक एकड़ में हल्दी लगाने में एक दिन लग जाता है, जबकि ट्रैक्टर चालित इस उपकरण से एक दिन में 4 एकड़ में बुआई हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें अदरक या हल्दी की बर्बादी भी कम होती है। प्रति एकड़ 1 कुंतल अदरक या हल्दी कम लगती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस शोध के लिए इंद्रजीत बलवीर सिंह खास को नेशनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@
www.jnvigyan.in। अगले सप्ताह हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक नए और रोचक अंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।